आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सेशन आपके जो है 23 से 25 के बच्चों के लिए सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हम आज उनके पेपर S5 के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि आखिर आपको जो है पेपर S5 में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इसके अंदर जो है कितने कितने टॉपिक है, कितने आपके यूनिट है, ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ आपके एक सवाल है कि बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है कब आएगा, तो आपको जो है इसी महीने में आ जाएगा। हमने आपको बोला है 25 तक वेट कर लीजिए, आ जाएंगे। देखिए जो बोर्ड ऑफिस में बात किया था, बोले थे कि 17 तक आ जाएगा, 20 तक आ जाएगा, लेकिन अब उसके अनुरूप ही हम लोग चल रहे हैं। अब कहने का मतलब है कि हम भी, आप हमसे पूछेंगे, हम भी किन्हीं और से पूछेंगे, वो हमको जानकारी देंगे, मैं आपको जानकारी दूंगा। तो एक चयन है, जो ऊपर से आदेश आएगा उसी के अनुरूप चल रहा है, तो गलत नहीं है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, समझ गए। तो अभी हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड सेशन आपका 23 से 25 का डीएलएड सिलेबस की बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर का, जिसमें आपका पेपर S5 है और इसमें आपको विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में जानना और पढ़ना है। ऑलरेडी हमने जो है पेपर आपका S1 से लेकर S4 तक के सिलेबस को डिस्कशन किया है और अभी हम बाकी जो सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और इस वीडियो में हम केवल पेपर आपका S5 के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो ये पेपर आपको यहाँ पर F5 नजर आ रहा है, ऑलरेडी हमने ये चार पेपर डिस्कस कर चुका है और ये जो आपका पेपर S5 है, जिसमें आपका विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा है, यह आपका जो है टोटल जो होता है 100 मार्क्स का होता है, समझ गए, जिसमें आपका 60 नंबर जो है यह आपका इंटरनली होता है, ये आपका इंटरनली होता है और ये 40 नंबर आपका जो है बाहरी परीक्षा होता है। 40 नंबर आपका क्या होता है, बाहरी आपका एग्जाम होता है। क्लियर, यहाँ तक इन बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसके बारे में पूछिएगा, जो ये पेपर आपका S5 है, जिसका नाम आपका विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा है, समझ गए, ये पेपर आपका S5 है, सेकेंड ईयर का है, इसमें आपको टोटल जो होता है 100 मार्क्स का होता है। आपके टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, आपके 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका दो सेक्शन बढ़ जाता है, एक आपका बाहरी परीक्षा जो कि सेंटर पर होता है और एक आपका जो है कॉलेज देती है, जो आपका इंटरनली बोलते हैं, जिसको हम लोग इंटरनली नंबर बोलते हैं। तो ये आपका 60 नंबर कॉलेज देती है इस पेपर में, समझ गए, और 40 नंबर का आपका जो है बाहरी परीक्षा होता है। अगर बात कीजिएगा कि इसमें टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं, तो इस पेपर में आपको टोटल जो है कितने यूनिट पढ़ने हैं, तो टोटल आपको जो है 5 यूनिट का अध्ययन करना है, 5 यूनिट का जो है आपको अध्ययन करना है। हम एक एक करके जो है पांचों यूनिट के बारे में बताएंगे कि आपको पहले यूनिट में क्या पढ़ना है, दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम यूनिट 1 की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो इकाई 1 है और इसमें आपको शारीरिक शिक्षा की समझ के बारे में आपको बात करना है, यानी इकाई 1 में हमें यही जानना है कि आखिर शारीरिक शिक्षा क्या होता है, बच्चों को शारीरिक शिक्षा क्यों देनी चाहिए, शारीरिक शिक्षा का महत्व, उद्देश्य, इसकी आवश्यकता और ये हमारे दैनिक जीवन में या हमारे भावी जीवन के निर्माण में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसके ऊपर बात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले यूनिट में आपको जो है 4 पॉइंट के ऊपर बात करना है। पहला पॉइंट है शारीरिक शिक्षा अवधारणा एवं महत्व, यानी कि शारीरिक शिक्षा का अवधारणा क्या है और उसका महत्व क्या है। दूसरा हम बात कर ले शिक्षा एवं स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव, यानी कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जो शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव है वो कैसे है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है आपस में जुड़ा हुआ है, हम सभी लोग जानते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर बोला गया है शिक्षा एवं स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव है, इसके ऊपर पढ़ना है, जिसमें आपका भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक के अंतर्गत समझ की बात करेंगे। यानी कि जो आपका शिक्षा एवं स्वास्थ्य है उसमें आपका भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आपका जो है संज्ञान यानी कि मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास का संज्ञान, ये सभी चीजें इसमें जानना है। अगला है प्रारंभिक कक्षा के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का समावेशन स्वरूप के ऊपर बात करेंगे। प्रारंभिक कक्षा के बच्चे हैं उनके शारीरिक शिक्षा का समावेशन रूप जो है कैसे तैयार करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, जहां पर बच्चों के विविध क्षमताओं एवं आवश्यकताओं का ध्यान देंगे और कक्षा, विद्यालय तथा स्थानीय संदर्भ के अनुसार गतिविधि में समायोजन करेंगे, ताकि बालकों को शारीरिक शिक्षा का ज्ञान मिल सके और उनके बारे में वो समझ सके और अपने विकास कर सके, समझ गए। अगला है गतिविधि के दौरान बच्चों का प्रेक्षण यानी कि सुपरवाइजिंग एवं मार्गदर्शन गाइडिंग, यानी कि गतिविधि करा के हम बच्चों को जो है किसके बारे में, जो आपका शारीरिक शिक्षा है या स्वास्थ्य है, समझ गए ना, शारीरिक जो शिक्षा है या जो स्वास्थ्य है उसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। तो ये पहला यूनिट है, आपको इस यूनिट में केवल इतना ही चीजें आपको पढ़ना है, समझ गए।
आगे बढ़ते हैं और दूसरे यूनिट की बात करेंगे तो उसमें खेल एवं खेलकूद के बारे में जानना है, यानी कि इसमें जो है प्ले एंड गेम के बारे में जानना है, प्ले एंड जो है आपको गेम के बारे में, इसके बारे में जानना है। इस यूनिट में हम समझेंगे कि बालक जो है कौन कौन से गेम खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, गेम का महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों का जो है शारीरिक विकास में गेम का महत्व क्या है, खेल खेल में बच्चों को हम शारीरिक शिक्षा और भी जो है अन्य विषयों को पढ़ा सकते हैं, क्यों जरूरी है आखिर बच्चों के लिए खेलना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें आपका जो है मुख्य तौर पर 6 बिंदु है, देख सकते हैं। पहला बिंदु में आपका है खेल एवं खेलकूद अवधारणा और महत्व प्रारंभिक विद्यालय स्तर के संदर्भ में, यानी बच्चों को प्राथमिक स्टेज में खेलना क्यों जरूरी है, खेल और खेलकूद क्या होता है, उसकी अवधारणा, उसका महत्व क्या होता है, ये पहले पॉइंट में पढ़ेंगे। दूसरा है खेलकूद की बुनियादी आधार के बारे में जानेंगे कि खेलकूद का जो बुनियादी आधार है, आखिर हम लोग खेल जो खेलते हैं वो क्यों खेलते हैं, इसके बारे में समझेंगे कि आनंद के लिए खेलते हैं, सुरक्षा के लिए, सुरक्षित वातावरण, शारीरिक भावनात्मक सुरक्षा के लिए, सबकी सहभागिता, लड़के लड़की और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के समावेशन के लिए, अनुभव करके सीखना, बच्चे द्वारा समय खेल के नियमों को बनाना, समझना और उसके बारे में लागू करना, ये सभी पॉइंट हम इसके अंतर्गत समझेंगे खेल के बुनियादी आपके अवधारणा के अंतर्गत। तीसरा आपका यहाँ पर पॉइंट है प्रारंभिक विद्यालय में विभिन्न खेलकूद और उसका आयोजन। हम जो है क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, बहुत तरह के जो है खेल का आयोजन करते हैं। आखिर क्यों करते हैं, ताकि जो है बच्चे द्वारा रोजाना खेल के जानने वाले स्थानीय रोचक खेल समझे, कक्षा के अंदर और विद्यालय के प्रांगण में कराए जाने वाले रोचक खेल के बारे में समझे, एथलीट्स, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज आदि जो है आउटडोर और इंडोर गेमों का आयोजन बुनियादी स्तर पर करे, ताकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास जो है तीव्र गति से हो सके। तो हम इसमें जो है खेल के जितने भी प्रकार है जो कि हमारे एथलीट्स या जो हमारे ओलंपिक में होते हैं या जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं, वह सभी चीजों के बारे में इसमें हम समझेंगे। आगे हम बात कर ले तो आगे यहाँ पर आपका है कि प्रारंभिक विद्यालय के समय सारणी में खेल कूद का स्थान और उसका प्रभावी उपयोग, यानी कि हमारा जो स्कूल का समय सारणी होता है, जो हमारा टाइम टेबल होता है, उसमें हम लोग जो है एक गेम जो है गेम पीरियड भी रखें, ताकि बच्चे जो है गेम के माध्यम से अपने संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक और मनोगत्यात्मक कौशल विकास का कर सके। समझ गए जी। अगला है चोट एवं जख्म से बचाव तथा प्रारंभिक उपचार, फर्स्ट एड सामग्री और प्रक्रिया की समझ के बारे में समझेंगे। हम सभी लोग जानते हैं गेम खेलने के दौरान बच्चे गिरते हैं, उठते हैं, खुदते हैं, तो उनको चोट भी आती है, इसीलिए जो है हमें जो प्रारंभिक शिक्षा और या चिकित्सा जो होती है उसमें क्या होता है, फर्स्ट एड में क्या होता है, हमें वो चीजें इसके बारे में बच्चों को बताना है। अगला है प्रमुख राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन से परिचय करवाना बच्चों को, कि राज्य लेवल पर कौन सा गेम खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, विश्व लेवल पर कौन कौन से गेम होता है, वो सभी चीजें इसमें हम जानेंगे। अब आपका यहाँ पर इकाई 3 आता है विद्यालय में योग के बारे में समझेंगे। इसमें हम जो है योग क्या होता है, योग की आवश्यकता, महत्व और विद्यालय में योग क्यों करना चाहिए, इस यूनिट में हम यही समझेंगे कि आखिर जो है आपका योग क्या होता है, इसकी अवधारणा और महत्व क्या है, और जो आपका प्राणायाम और बुनियादी आसनों की समझ करेंगे, प्रारंभिक स्तर में विद्यार्थियों के लिए योग गतिविधियों का आयोजन कैसे कराएंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। तीन ही आपको पॉइंट इसमें पढ़ना है, यानी कि बेसिकली इसमें आपको योग के बारे में और योग के आसन के बारे में और योग के जो आपका प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, दंड, उठक बैठक इत्यादि तरह के जो होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। अगला यहाँ पर आपका इकाई 4 है, इसमें आपको स्वास्थ्य शिक्षा की समझ तथा विद्यालय के संदर्भ में समझेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा जो है क्यों जरूरी है और विद्यालय के संदर्भ में बच्चों को क्यों बताना जरूरी है, इसके बारे में समझेंगे। इसमें बेसिकली आपको 5 पॉइंट पढ़ना है, स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणात्मक एवं आलोचनात्मक समझ, जिसमें आपका व्यवहार परिवर्तन, जो आपका मॉडल बनाम स्वास्थ्य संरचना मॉडल से जुड़ा होना चाहिए। अगला है विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े मुद्दे की पहचान करना, पोषण और संतुलित आहार की समझ बच्चों को बताना, प्रारंभिक विद्यालय में आने वाले बच्चों के विशेष संदर्भ में बताएंगे कि आखिर पोषण तत्व क्या होते हैं, संतुलित भोजन क्या होते हैं। अगला है संक्रमण रोगों से समझ तथा उनसे रोकथाम की जानकारी देंगे। हम सभी लोग जानते हैं हमारे बच्चे जो है उतनी जानकारी उनको नहीं होती है, जो भी हमारे डिजीजेज बीमारी होते हैं, संक्रमण रोग होते हैं, या जो भी हमारे वायरस वाले होते हैं या जो भी हमारे बैक्टीरिया वाले होते हैं, उनके बारे में बच्चों को बताएंगे कि आखिर रोग से बचेंगे कैसे। प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न विषयों के स्वास्थ्य शिक्षा के उदाहरणों के समझ उनको सीखने की योजना में समायोजन करना, या ये सभी पॉइंट जो है हम आपके यूनिट 4 में पढ़ेंगे। समझ गए। अब हम यहाँ पर बात कर ले आपके आखिरी यूनिट जो कि आपका पेपर S5 का है। तो आखिरी यूनिट में हम लोग जो है स्वास्थ्य शिक्षा और विद्यालय के बारे में समझेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा जो है विद्यालय में बच्चों को क्यों दिया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय वो स्थान है जहां पर बच्चों के जो है आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाता है, इसलिए जो है बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी वहीं पर दी जाती है। इसमें भी जो है आपका 5-6 यूनिट है, पॉइंट है विद्यालय का भौतिक वातावरण, शौचालय, जल स्तर, कमरे का निपटान, प्रबंधन, ये सभी चीजों के बारे में समझेंगे। विद्यालय में स्वास्थ्य और साफ सफाई मानकों को सूचकांक किए जाने वाले समुदाय और शिक्षा की भूमिका बात करेंगे। व्यक्तित्व, स्वच्छता, साफ सफाई, केस स्टडी, जुड़ी चर्चाएं,
माध्यम से बच्चों के हाथ धोने, नहाने, नाखून काटने, साफ सफाई, कपड़े पहनने, अच्छी आदतों का विकास करने के और उसका प्रयोग करने में विद्यालय में आयोजन करेंगे, बच्चों को बताएंगे। अगला यहाँ पर है, विद्यालय में मिड डे मील की आवश्यकता क्या है, आधारभूत समझ क्या है, सामग्री में भंडारण, तैयारी और वितरण से संबंधित कौशल का विकास, मिड डे मील से संबंधित केस स्टडी और उसके बारे में बच्चों को नवाचारी प्रयोग के बारे में बताएंगे। अगला है, हेल्थ कार्ड क्या होता है और जो आपका डिमार्गिंग पुस्तिका में उपयोग की समझ। हम देखते हैं कि सप्ताह सप्ताह में, महीना महीना में सरकारी विद्यालयों में हेल्थ कैंप लगता है ताकि बच्चों को कितने मतलब कि आयरन की गोली, हेमोग्लोबिन की गोली और भी जो है कीटाणुनाशक की गोली बहुत सारे बच्चों को खिलाया जाता है, पोलियो की दवा पिलाया जाता है ताकि बच्चों को जो है कुपोषण का शिकार ना हो सके, उनको पौष्टिक भोजन मिल सके। उन सभी चीजों के बारे में बच्चों को हम बताएंगे, समझ गए। विद्यालय के शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और बच्चों को जो प्रेरित करेंगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए, हमें अपने समाज, अपने देश के कल्याण के लिए इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यह जो है आपका पेपर S5 है जिसमें शारीरिक शिक्षा एवं योग के बारे में आपको पढ़ना था और इसमें टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने थे और ये पेपर आपका S5 जो है यहाँ पर सिलेबस आपका क्या हो रहा है, आपका कंप्लीट हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी सारी बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शायद आपका क्लास जो है आज से शुरू हो जाएगा, अपडेट आपको शाम तक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।